आया नगर में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सैनिकों को किया गया है सम्मानित, जहां कांग्रेस निगम पार्षद ने किया है सम्मानित, जहां पहुंचे हैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी। आपको बता दें कि पूरे देश भर में कल 73वें गणतंत्र दिवस की धूम रही है, तो वहीं देश भर में अलग अलग अंदाज में 73वें गणतंत्र दिवस को मनाया गया और सभी देशवासियों के लिए यह काफी गर्व का पल था। वहीं इसी कड़ी में आज छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जौनापुर में स्थानीय निगम पार्षद वेदपाल लोहिया ने एक अलग ही अंदाज में अपने देश के वीर सपूतों और सौर वीरों को सलाम किया है और गणतंत्र दिवस को मनाया। वहीं स्थानीय लोगों के साथ मनाया निगम पार्षद ने गणतंत्र दिवस और आज जौनापुर गांव में देश के सैनिकों के लिए जौनापुर गांव में सैनिक दीवार का उद्घाटन किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी और दक्षिणी दिल्ली जिले के जिला अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने शिरकत की और झंडा फहरा करके तिरंगे को सलाम किया है। तो वहीं स्थानीय निगम पार्षद के द्वारा बनाई गई सैनिक दीवार का उद्घाटन किया गया है और सैनिकों के सम्मान में स्थानीय निगम पार्षद वेदपाल लोहिया ने सैनिक दीवार बनवाई थी, जिस पर जौनापुर गांव, घेटोरनी गांव, आया नगर गांव के सभी वीर जवान, चाहे वह भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हों या अभी दे रहे हैं, उन सभी जवानों के नाम इस दीवार पर अंकित किए गए और उन्हें सम्मानित किया गया है। सुने अनिल चौधरी कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व वेदपाल लोहिया निगम पार्षद और रमेश प्रधान जौनापुर गाँव को ये आज तक नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी तरीके से किया है, बहुत अच्छे से अरेंज किया है, सबकी रियाज कोई नीचे मत नहीं है। हमें आज बहुत खुशी हुई है कि आज हमारे बहुत सैनिकों को जो हमारे बुजुर्ग पिछले पुरंग आज उनको याद किया जा रहा है, जो रिटायर फौजी अभी आए हैं वो उनको भी बड़ी खुशी हुई है कि आज हमारे लिए हमारा मान सम्मान किया है। हमें इसके ऊपर बहुत गर्व और घमंड की बात है कि हमारे वेदपाल नगर पार्षद ने हमारा हौसला बढ़ाया और आने वाली पीढ़ी के लिए हौसला अफजाय किया है, जिससे कि देश को आगे बढ़ाने का और आगे बच्चों को आगे चलने का रास्ता और मौका मिलेगा। धन्यवाद। मैं इस जब के बीच पहुंचे हैं, कितना बड़ा अर्थ का विषय है कि आज जो आप सेना में हैं, नेवी में, पुलिस में, उनको नमन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो आएगा, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जो डिफरेंट लोग हैं हमारी दुनिया में, जो देश के लिए काम करते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, देश की चिंता करते हैं, बॉर्डर पर खड़े होते हैं, उन परिवारों की हमेशा यहाँ पर याद आएगी। जो लोग हमें छोड़कर भी चले गए उनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे बड़े देशभक्ति के सारे बड़े आयोजन पूरे गांव के आसपास के हमारे यहीं पर हुआ करेंगे। साथ साथ जो हमारे जो देशभक्ति जो है, हम लोग आमतौर पर देखते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को आती है, लेकिन जब यहाँ पर हमेशा कभी भी आया करेंगे इस पार्क के अंदर। ये हमने जगह भी इसलिए चुनी कि यहाँ पर 1000 आदमी 500 आदमी सुबह शाम यहाँ घूमने फिरने के लिए आता है, वो आएगा, उनसे प्रेरणा लेगा, उनसे सीखेगा, जानेगा, देश प्रेम जगेगा, देशभक्ति जगेगी और देश के लिए काम करेंगे। देश आगे बढ़ेगा तो हम लोग अपना आप सब लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम उन लोगों को नमन करते हैं। वो सब आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, 4-5 गांव जो हैं आसपास के, डेरा, मांडी, सुल्तानपुर, गदाईपुर, जौनापुर, तमाम यहाँ के जितने हमारे फौजी हैं, हम पहले भी आयनगर में हमने शुरुआत की थी, वहाँ पर भी हमने फौजी सम्मान की दीवार बनाई और इसके बाद हम घेटोरनी के अंदर बना रहे हैं, नाथूपुर से लेकर जो उस रोड पे पूरे जितने भी फौजी हैं, आजकल लोग उनसे मिलने नहीं जाते, उनको पहचान नहीं करते, वो देश के लिए 20-30 साल कुर्बानियाँ काम कर परिवार छोड़ कर आते हैं, सिविल लाइफ में उनकी पहचान नहीं है, उनको एक अलग से समाज में हम लोग पहचान के लिए ये काम किया जा रहा है और एक अलग चीज़ है। हमेशा उनकी फैमिली आज भी अगर हमारे बीच में नहीं है, आज उनके परिवारों को भी लगेगा कि हमारे समाज की नज़र उनके ऊपर है, नेताओं की नज़र उनके ऊपर है। आज ये सरकार ने का फंड है, MCD दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाया गया है, तो सरकार की भी नज़र आपके और आपके परिवार के ऊपर और आपने देश के लिए जो काम किया उसको सरकार और देश और हमारे समाज नहीं भूला है, ये उसका एक उदाहरण है। इस तरह की हमने MCD ने शुरुआत की। देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है, आज हमारा गणतंत्र दिवस है, 73वां गणतंत्र दिवस पूरा देश राष्ट्र सेलिब्रेट कर रहा है। आज मैं अपने जौनापुर गांव में हूँ और ये गांव हमारा एक बहुत ऐतिहासिक गांव रहा है, दिल्ली देहात की पहचान है। हमारे इस क्षेत्र के जो सैनिक रहे हैं, आज़ादी से पूर्व जिनका योगदान रहा, आज़ादी के बाद जिन्होंने सेनाओं में अपनी सेवाएँ दी, कुछ हमारे बीच आज नहीं हैं, उनके परिवार हमारे साथ यहाँ हैं, कुछ रिटायर्ड हुए हैं, कुछ अभी भी सेवा में हैं। आज उन तमाम सैनिकों को हमने याद किया है, उनके सम्मान में एक सैनिक सम्मान दीवार का यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर दीवार बनाई है, उन पे नाम अंकुरित हैं, स्वर्ण अक्षरों से उनके नाम हैं और उन परिवारों के नाम हैं। मकसद एक ही है,
आज का जो युवा वर्ग है, आने वाला जो युवा है, उनके लिए नाम प्रेरणा स्रोत है। उनके अंदर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, उनका योगदान उन बच्चों के सामने रहे, उनके अंदर एक ऊर्जा उनके शरीर में स्थापित हो इस देश के लिए लड़ने की, मर मिटने की, यही मकसद। और गाँव वासियों को, यहाँ के तमाम आसपास के जो गांव हैं हमारे, उन तमाम बुजुर्गों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये सोच रखी। और हमारे क्षेत्रीय पार्षद वेदपाल भाई जो युवा हैं और इस जज्बे के साथ कि सबको एक साथ एकजुटता के साथ यहाँ रखा जाए जिससे कि राष्ट्र निर्माण का जो सब सपना रखते हैं वो पूरा हो सके। सर, स्थानीय पार्षद की बात करें तो लगातार नई मुहिम है और अच्छी पहल भी है जिसमें ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है, तो वेदपाल जी लगातार हर क्षेत्र में कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, क्या इससे जो आने वाली पीढ़ी है उनमें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वेदपाल जी छात्र जीवन से मेरे साथी हैं और ऐसी सोच का युवा नेता है जो इस देश में एक सेकुलर सोच अपने मन में रखता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जौनापुर के आसपास के मेरे जो गांव हैं, मांडई है, आसपास के जो दूसरे गांव हैं वहाँ के भी बुजुर्ग हैं। मकसद और सोच एक ही है, तमाम धर्म समाज के लोगों को इकट्ठा करना, उनके सामने एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट करना, एक दीवार सामने स्थापित करना, उस दीवार पर हमारे जो पूर्वज सैनिक रहे हैं उनके नाम अंकुरित करना, आज के समय में जो सेवाएं दे रहे हैं, जो रिटायर्ड हुए हैं, उन फौजियों को आज समाज के सामने प्रस्तुत करना जिससे कि हमारी जो जनरेशन है, जो आज वर्तमान जो बच्चे हैं, कल वो जान सके कि हमारा इतिहास क्या है, इस गांव का योगदान आज़ादी और आज के समय में क्या रहा है, तीनों सेनाओं में, पुलिस में, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज उसकी शुरुआत इस दीवार सम्मान के साथ की गई है। वेदपाल जी बधाई के पात्र हैं, मेरे बुजुर्ग जिनको मैं नमन करता हूं, उनको याद करते हुए सच्चे दिल से उनको आज हम सैल्यूट कर रहे हैं। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।